के करहिया ग्राम में इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए राम जानकी मंदिर में ब्राह्मणों के द्वारा भव्य अनुष्ठान का आयोजन चल रहा है। आचार्य का कहना है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो या किसी भी प्रकार की महामारी हो उसके प्रभाव को कम करता है और व्यक्ति को उससे विजय कराता है। मेराचार्य नीरज शास्त्री जी व अमित तिवारी जी एवं अथर्ववेद के परम ज्ञाता अंकित कुमार द्विवेदी जी जो केरला से आए और मंदिर के महंत बद्री प्रसाद अवस्थी जी के द्वारा यह 7 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। शायद मशहूर पप्पू गुंडेला, ये वैश्विक महामारी जिससे सारा विश्व परेशान है, इसके शांति के लिए हम लोग ग्राम करहिया में राम जानकी मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का साप्ताहिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अनुष्ठान का ये प्रभाव पड़ता है, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु तुल्य भी कष्ट होता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से या जाप को श्रवण करने से या व्यक्ति विशेष के लिए संकल्प लेकर के जाप करने से उसको मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस मंत्र का जाप करने से हमारे क्षेत्र की भी रक्षा होती है। किसी भी प्रकार की महामारी हो या कोई भी मृत्यु तुल्य रोग भी हो तो इस रोग को अगर इसके रोग के प्रभाव को कम करना है तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः हरिः ॐ। ये त्रिसप्ताः पारयन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रातः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दाधातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवे न मनसा सह वसोस्पते निरामयमय्येवास्तु मयेस्तृतम्। सभी भक्त गणों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमने जो वेद बोला है ये अथर्ववेद है, जो कि तंत्र मंत्र जादू टोनों से संबंधित है और रोग ग्रस्त व्यक्ति को रोगों से छुटकारा दिलाता है। जय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।